जो महीना जो शुरू हुआ इसका नाम है अहगन मास भी कहा जाता है, मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। इस महीने में जो है, इस महीने का एक एक दिन जो है पूजनीय है। श्री कृष्ण भगवान जब रास लीला के बाद जब गोपियों ने कहा था कि आप कभी इस गोपी के पास हो कभी उस गोपी के पास हो, तो ऐसा कोई चीज बताइए, ऐसी कोई पूजा बताइए जिससे कि हम सबके पास आप अलग अलग रूप से आ जाए। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं जो अहगन मास जो आज से शुरू हुआ, जब वृश्चिक राशि में जब आते हैं, जो आज से शुरू हुआ, इस महीने में जो यमुना में स्नान करते हैं उनके पास होकर, तो मैं उनके अलग अलग रूपों में जो है आप सबके पास रहूंगा। तो इस महीने में जितनी भी गोपियां थी सबने जो यमुना में स्नान किया था और पूरा महीना, और उससे जो है श्री कृष्ण भगवान जी उनके पास अलग अलग रूपों में जो है सबके साथ रहते, इससे भगवान जी विष्णु भगवान जी जो है कृष्ण भगवान जी प्रसन्न होते, कृष्ण भगवान जी को प्राप्त करने का ये विशेष जो है महीना है। और इस महीने में जो है जीरा जो नहीं खाया जाता, जैसे हमारी प्राचीन हर महीने का कोई ना कोई चीज जो है त्यागनी जरूरी होती है, तो इस अहगन मास में जीरे का जो है निषेध लाया गया खाना। इस महीने में सबसे अधिक जो है आप श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा कीजिए, भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, और साथ में जो है इसमें सूर्य उदय से पूर्व उठकर जो है आप अगर किसी नदी स्नान का जो है मैं तुम्हें इसमें बहुत कहा गया है कि नदी में स्नान आप अवश्य करें, चाहे वो घर के नदी के, विशेष जो है यमुना में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। और जो है इस महीने को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने की जो पूर्णिमा है वो जो है मृगशिरा नक्षत्र में जो है आती है। जो पूर्णिमा आएगी वो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो प्राचीन कथा है जिसमें ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे जो है कामासक्त होकर दौड़े थे, तो सरस्वती जी ने हिरणी का रूप धारण कर दिया था, तो ब्रह्मा जी ने भी हिरण का रूप धारण करके उनके पीछे दौड़े थे। तो वो ग्वाल भोलेनाथ की शरण में गई थी सरस्वती माता, तो भोलेनाथ जी ने जो है त्रिशूल उनके पीछे बाण छोड़ा था। वो आज भी कहते हैं ब्रह्मा जी उनका जो है पीछा कर रहा है, उससे ही जो है मृगशिरा नाम का नक्षत्र उत्पन्न हुआ था, जिससे जो है वो इंद्रधनुष जो दिखाई देता है आपको, वो उसी का ही प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।